हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टील बैट की ओर से मेरे पास आज एक हेलमेट आ चुका है एंड इसका मुझे आज रिव्यू करना है। सो रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। एंड आप अगर सोच रहे हो कि आपको 2000 का अंडर एक हेलमेट लेना है तो डेफिनेटली ये हेलमेट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एल साइज बोला था कि मुझे एल साइज चाहिए एंड उसने एल साइज ही मुझे भेज दिया है। एंड यहाँ का अगर हिसाब करें तो 60 सेंटीमीटर की यहाँ पर साइज मिल जाता है। एंड आपको प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइस 2399 रुपीज़। बट आप अगर इसको फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो, मेरा दिया हुआ लिंक से परचेस करते हो, सो डेफिनेटली आपको 1919 रुपीज़ पे मिल जाएगा दोस्तों। सो बिफोर स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टील बट फॉर हेल्पिंग मी आउट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ एक बात शेयर करना था। मेरा लाइफ का ये फर्स्ट रिव्यू यूनिट है जो स्टील बैट की ओर से आया है। सो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। सो इसका पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास एक फिलहाल ये स्केल है एंड इससे आज अनबॉक्सिंग होगा इस हेलमेट का। सो देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल जाता है। सो ये तो और एक कार्ड मुझे मरना था, मैं तो भूल गया था। सो मर लेते हैं फिलहाल इसको भी। और तो हो गया कंप्लीट। और तो ओपन करते ही देख सकते हो आप लोग बढ़िया पैकेजिंग के साथ आया है एंड यहाँ पे शायद कुछ स्क्रैचेस ही पड़ गया। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। स्क्रैचेस यहाँ पर कुछ और हैं, देख लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो अलग से भाइजर मुझे दिया हुआ है जो कि एक ब्लैक स्मोक्स भाइजर है जो कि हम लोग डे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। आप अगर फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो तो आपको भी दो भाइजर के साथ ही हेलमेट आएगा दोस्तों। तो ये ब्लैक स्मोक भाइजर बहुत ही बढ़िया दोस्तों डे टाइम पे अगर आप राइड करते हो तो। सो देख लेते हैं और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। सो ये है हमारा हेलमेट जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया पसंद आ रहा है एंड देखते हैं बढ़िया पैकेजिंग के साथ आया है। वाओ, ये मुझे बहुत ही पसंद आया दोस्तों। फाइनली इट्स हियर एंड दिस इज़ माय स्टील बैट एयर हेलमेट जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड आप लोग देख सकते हो मुझे और एक भाइजर यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। एंड इसकी कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो रेड एंड ब्लैक का मैट फिनिशिंग के साथ आया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे नाइट टाइम के लिए और एक भाइजर दिया हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, ब्लैक भाइजर अगर आप नाइट टाइम पर राइड करते हो तो बहुत ही दिक्कत आ जाती है, इसलिए यहाँ पर और एक भाइजर के साथ बाइक आता है। एंड कलर ऑप्शन की तो मैंने बात कर दिया। यहाँ पर जो ग्राफिक्स की काम हुआ ना बहुत ही अच्छा एंड बढ़िया हुआ है दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्टील बैट की लोगों के साथ आया है, यहाँ पर देख सो R2K लिखा हुआ है। एंड आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा, अब जब भी एक हेलमेट लेने जाओ तो डेफिनेटली ISI मार्क को जरूर चेक कीजिए क्योंकि ISI मार्क अगर होते ही इस हेलमेट पर सो वो एक वेरीफाइड हेलमेट। कलर ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो मैट फिनिशिंग के साथ आया है जो कि रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ है। एंड इसकी बात किया जाए ग्राफिक्स की, सो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स के साथ ये हेलमेट आया है। एंड आपको ये दोनों चीज़ शायद लग रही है कि क्या है, तो अब जब इस वाइजर को चेंज करोगे सो यहाँ पे प्रेस करते ही वाइजर जो है ओपन हो जाता है एंड आप वो दूसरा वाला वाइजर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया दोस्तों यहाँ पर देखो, जब भी आप हेलमेट के अंदर आपको एक वार्म सा महसूस होगा सो डेफिनेटली आपको ये बटन प्रेस कर देना है ऐसे, तो ये ऊपर आ जाता है ऐसे। मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ ये नीचे चला जाता है एंड ये ऊपर चला जाता है। इससे क्या होता है, इसके थ्रू आपके ईयर पहुँच जाते हैं अपने हेलमेट के अंदर। एंड नीचे साइड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक वेंटिलेटर दिया हुआ है जिससे एयर पास हो जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पर। एंड आप अगर GoPro लगाना चाहते हो अपनी हेलमेट पर सो आप इस जगह पर GoPro इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इस हेलमेट के अगर ओवरव्यू के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही एक आई कैची है दोस्तों। जब आप इसको पहन के बाइक को राइड करोगे सो डेफिनेटली लोग तो नोटिस करेंगे ही। एंड आपके पास अगर 160 सेगमेंट के कोई भी बाइक हो, 200 NS हो या फिर हॉर्नेट हो, R15 V3 हो, आप इस हेलमेट को ले सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत ही कम है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेलमेट है, आपको देख के पता चल गया होगा शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये तो होगा हेलमेट की बाहर की साइड, अब मैं आपको हेलमेट के अंदर की साइड दिखाता हूँ। आप जब भी हेलमेट लेने जाओ सो डेफिनेटली वो हेलमेट वॉशेबल होना चाहिए क्योंकि हेलमेट काफ़ी दिनों यूज़ करने के बाद ये जो साइड आता है दोस्तों वो गंदा हो जाता है। सो क्या होता है, वो आप साफ नहीं कर सकते हो दूसरे हेलमेट के साथ। बट अगर आप ये हेलमेट लेते हो सो आप यहाँ पर कैसे रिमूव कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रैप है, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ये पूरा ओपन हो जाता है, पूरा ये जो देख रहे हो ये वाला हिस्सा पूरा ओपन हो जाता है। ये वॉशेबल है, फुल्ली वॉशेबल है दोस्तों। सो आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वाला वीडियो शेयर करना। सो मिलते अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।